हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। ये थोर है, आप सब जानते हो इसे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पपी जब 3 मंथ्स का हो जाता है, जब तक आपको के पपी को कौन कौन सी वैक्सीन लग जाती है, लगवानी चाहिए। तो ये रहा थोर का वैक्सीनेशन कार्ड। ये थोर का वैक्सीनेशन कार्ड है। ये हमारे हिसार में लुआस जो वेटनरी हॉस्पिटल है उसका है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एज तक कौन कौन सी वैक्सीन हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो पपी डीपी होती है जो 20-22 दिन के पपी को दी जाती है। उसके बाद 45 डेज पे जो वैक्सीन लगती है, पहली वैक्सीन होती है जो किन किन बीमारियों की होती है, वो होती है ये जैसे पार्वो वायरस होता है, केनाइन पार्वो वायरस, डिस्टेम्पर वायरस जो होते हैं इनके लिए होती है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये इनके लिए होते हैं। ये जो वायरस होते हैं, ये बीमारियां होती है, ये डॉग्स को बहुत जल्दी होती है। देखो ये वाली जो टेबल है इसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी किस किस टाइम लगनी चाहिए। मैं वैक्सीन्स दिखाऊंगा आपको कौन सी लगी है थोर को, और उनका प्राइस भी बताऊंगा। तो एक बार बस आप ये अगर जिसने देखना स्क्रीनशॉट रोक के एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं ये बताता हूँ कि थोर को अब तक कौन कौन से इंजेक्शंस लग चुके हैं, कौन कौन सी वैक्सीन हो चुकी है थोर की। ये थोर की 45 डेज पे ये पहले वाली थी। इसमें ये दो अलग अलग कंटेनर्स में होती हैं, और उसको इन दोनों को एक के अंदर मिक्स करके इंजेक्शन में सिरिंज में डाल के फिर लगाते हैं, कि कईयों को क्या पता ना हो, मतलब फ्रॉड भी हो सकता है यार, कि एक ही सिरिंज में, मतलब एक ही कंटेनर में से निकाल के उसमें डाल दियो। तो इस कंपनी के तो दो होते हैं, ये अलग अलग तभी लगा रखी है। तो ये है फर्स्ट बूस्टर जो इससे अगले वाला है, ये भी दो कंटेनर्स में ही थी। इन दोनों को मिक्स करके एक सिरिंज में डाल के फिर लगाते हैं। ये हो गई। ये पता है कौन कौन सी बीमारी ये होती है, इसकी डिजीज से बचाने के लिए, जैसे केनाइन पार्वो वायरस और डिस्टेम्पर वायरस, ये जो होते हैं इनसे बचाने के लिए ये वैक्सीन होती हैं। तो और ये इसका पहली डोज मेन डोज लगा दी, फिर इसके बाद इसकी 21 डेज के बाद इसका फर्स्ट बूस्टर हो गया, उसके 21 डेज के बाद इसका ये सेकंड बूस्टर हो गया। अब बात करते हैं इसको एक और इंजेक्शन लगा है जो रेबीज का है, वो है ये वाला। ये रेबीज का लगा इंजेक्शन थोर को, ये वाला। इसका कंटेनर एक ही होता है, एक ही कंटेनर में से ही निकाल के लगाई थी थोर के, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इनका प्राइस। पहले वाले का प्राइस मेरे को मिला था 400 रुपीज के आसपास, 400 से 450 रुपीज के बीच में था शायद, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। फर्स्ट बूस्टर मेरे को मिला था 500 रुपीज का, उससे नेक्स्ट जो सेकंड बूस्टर है ये मिला मेरे को 400 रुपीज का। अब ये वेरिएशन मुझे पता नहीं क्यों है, क्या पता लॉकडाउन इसका रीजन है, नहीं आ रहा, आ रहा है। अभी जो मैंने इसकी वैक्सीन लगवाई है वो इसी रेट में मेरे को मिली थी और मैंने लगवाती है। और हाँ, रेबीज का जो इसका इंजेक्शन लगाया वो 150 रुपीज का आया था। तो ये सारी जो वैक्सीन्स होती हैं ये 3 मंथ के पप्पी को लगती हैं। अब तक थोर को ये लग चुकी है, अब आगे जो होगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो हमारी वीडियो का टॉपिक यही था कि 3 मंथ तक आपके पप्पी को कौन कौन सी, कितने इंजेक्शन लगते हैं, कितनी वैक्सीन लगती है, तो वो ये थी। और एक पप्पी डीपी होती है, वो शुरू में लगाते हैं, ब्रीडर लगाते हैं, वो 20 या 22 डेज के बीच में लगती है, एग्जैक्ट शायद यही है। तो ये थी वैक्सीन सारी जो थोर को लगी थी। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी है, कुछ ऐसा लगा कि आपको नॉलेज गेन हुई है, तो इसे लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मोर अपडेट्स के लिए ऐसे वीडियोस की, और शेयर जरूर कर देना कि अब तक किसी और को, आपका कोई जानकार हो जिसके पास पप्पी हो और उसको इस नॉलेज की, ये वाली नॉलेज चाहिए हो, मतलब उसको जरूरत हो इस नॉलेज की, तो पक्का शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए।